Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS. I hope you guys are doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session जहाँ हम discuss करेंगे these articles. We will be covering it today. Now we'll talk about Association of Southeast Asian Nations. Basically ASEAN के बारे में पढ़ेंगे. UPSC यहाँ से question पूछ सकती है. पिछले सालों में भी UPSC ने अगर आपने देखा हो तो पूछे हैं questions. Central Consumer Protection Authority, very important, GS paper 2. अमनगढ़ टाइगर रिजर्व प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव एक्सरसाइज मालाबार कौन कौन से देश हैं क्या पर्पस है इसका एवरीथिंग विल टॉक अबाउट इन डिटेल एंड ट्रेकोमा क्या है ये कैसे डिसीज है व्हाई इट इज इन न्यूज ये सारी डिस्कशन आज के सेशन में रहने वाली है जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करो पहले तो डोंट वेट मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर सो यू कैन मार्क योर अटेंडेंस आपके पास एक थम्स अप साइन आपको देखने को मिलेगा बस उस पर यू हैव टू क्लिक आपके अटेंडेंस मार्क हो जाएगी कॉमेंट सेक्शन आपके पास है यू कैन शेयर योर फीडबैक्स एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है द क्वालिटी दैट इज बींग शेयर्ड यू कैन ट्रस्ट दीज सेशंस एज श्रीराम्स आईएएस इज वन सच प्लेटफॉर्म दैट इज सर्विंग द नेशन सिंस 1985 सो जो ट्रस्ट बच्चों ने दिखाया है ऑफलाइन एंड नाउ ऑनलाइन एज वेल यू कैन रेफर टू अदर्स ऑल्सो मेनी अदर मेंटर्स आर टेकिंग द सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं आप रेफर कर सकते हो अच्छा इस डिसीज की बात करते हैं हाल ही WHO ने क्या किया है डिक्लेयर्ड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलिमिनेटेड ट्रकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बिकमिंग द थर्ड कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन टू अचीव दिस माइलस्टोन WHO ने डिक्लेयर किया है दैट इंडिया हैज़ एलिमिनेटेड दिस डिसीज एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न इसका मतलब इंडिया हैज सक्सेसफुली रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ केसेस ऑफ ट्रेकोमा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है दैट इज कॉन्टेजियस एज वेल एंड इंडिया इज नाउ द थर्ड कंट्री इन द WHO's साउथ ईस्ट एशिया रीजन टू रीच दिस माइलस्टोन तो ऑब्वियसली सरकार ने एफर्ट्स दिखाए हैं सैनिटेशन में इम्प्रूव होना पानी इम्प्रूव होना तो इस तरीके से इन्फेक्शन ट्रीट होता है लॉन्ग बैक आई ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम इट आपकी जो आई लिड होती है ना आप यहाँ देख सकते हो वो थोड़ा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो आप बोलते सूज जाती है जैसे सो दैट इज द प्रॉब्लम है लॉन्ग टाइम बैक अभी की बात नहीं है तो कहने का मतलब है येस इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इट कैन बी ट्रीटेड डॉक्टर से कंसर्न करें एंटीबायोटिक्स देते हैं तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस तो ये नाम बताया है अब ये कॉन्टेजियस है येस इट इज़ कॉन्टेजियस स्प्रेडिंग थ्रू द कॉन्टैक्ट विद आईज आईलेड्स नोज और थ्रॉट सिक्रेशंस ऑफ इन्फेक्टेड पीपल अगर इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इट कॉजेज इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस ऑल्सो ठीक है सो इट कैन स्प्रेड थ्रू लाइक आइटम्स दैट हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल टॉवल्स हैं आप एक दूसरे का हैंकी यूज कर लेते हो राइट दे कैन बी वेरियस रीजन्स इट इज मोस्ट कॉमन इन पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन स्पेशली मतलब जहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं हो डर्टी वाटर हो एंड पीपल लिविंग इन द ओवर क्राउडेड एरियाज जहाँ पर देर इज़ नॉट एक्सेस टू क्लीन वाटर और गुड हाइजीन प्रैक्टिस नहीं है दे आर ऑल्सो एट वेरी हायर रिस्क अब ये मत कहना कि आपका ऐसा एरिया है क्या सी इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है तो देखो एक अच्छी आदत है कि जब आपका एक हाइजीन जब कोविड के बाद से ना ये चीज़ें तो एटलीस्ट सीखी होंगी सबने एक क्या सीखा है कि ऑनलाइन गेम आ गई है तो पहला और एक गुड हाइजीन मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक है प्रॉपरली हाथ धोना साफ पानी पहले भी ये था ये सब हाँ कि हाथ अच्छे से धोने चाहिए बट सीरियस कोई नहीं होता ना तो यहाँ पर अगर ये डिसीज़ की बात करें इफ़ इट लेफ्ट अनट्रीटेड सो इट कैन लीड टू इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस मतलब इट कैन डैमेज टू द आईज दैट कैन नॉट बी फिक्स लेटर ऑन सो इट इज़ कंसीडर्ड एज अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज बाय WHO सो WHO हैज टर्म ट्रेकोमा एज अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज ठीक है अकॉर्डिंग टू WHO मैं आपको अगर ग्लोबल सिचुएशन दिखाऊं तो ये दे हैव रिटन इट इज एस्टिमेशन ये सजेस्ट कर रहा है दैट 150 million people worldwide they are affected by this disease and 6 million of them are blind or at the risk of visually disabling
कॉम्प्लिकेशंस. सरकार के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेशनल ट्रेकोमा कंट्रोल प्रोग्राम 1963 में. लेटर ऑन ट्रेकोमा कंट्रोल एफर्ट्स वर इंटीग्रेटेड. इंडिया का एक नेशनल प्रोग्राम था, प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, उसके साथ उसको इंटीग्रेट कर दिया गया. एंड एज अ रिजल्ट 2017 में इंडिया ने डिक्लेयर किया दैट वी आर फ्री फ्रॉम दिस इन्फेक्टिव ट्रेकोमा. लेकिन हाँ, सर्विलियंस कंटिन्यूड, ताकि इन प्रॉपर सर्विलियंस फिर भी रहा इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया 2019 से 2024 तक. सो ये सर्वे जो रहा है, इट वॉज ऑल्सो कैरिड आउट इन 200 एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट फ्रॉम 2021-2024. प्रोग्राम का नाम है, थोड़ा ध्यान में रख सकते हो. ठीक है, तो पर्पस यही था. ओवरऑल आपको अब समझ आ ही चुका है कि द सर्वे वॉज डन and to meet the requirement set by WHO, which says that India can be officially declared as having eliminated this trachoma as a public health problem only after when you complete the survey. So all these efforts जो भी सरकार ने लगाए हैं, they helped India in achieving the important goal of eliminating it. Now to help countries eliminate this, WHO ने कुछ strategy recommend करी, and that strategy is safe strategy. Safe मतलब एक तो एस है सर्जरी का, फिर ए एंटीबायोटिक्स का, फिर एफ फेशियल क्लीनलीनेस का, एंड ई इज फॉर एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट. सो ये चार स्ट्रेटजीज हैं, ये फोर मेन एरियाज आप लगा सकते हो कि मेक श्योर करो आपकी कम्युनिटीज जो हैं दे हैव बेटर एक्सेस टू क्लीन वाटर, टीचिंग पीपल टू वॉश देयर फेसेस रेगुलरली, राइट, एंड क्लीन योर फेसेस, इन्फेक्शन नहीं हो, एंड एंटीबायोटिक्स हैं दैट आर यूज देन. अब बहुत सी कंट्रीज हैं दैट हैव एलिमिनेटेड इट, नाम उन्होंने दे ही रखा है, नेपाल है, म्यांमार है, सऊदी अरेबिया है, चाइना है, कैम्बोडिया है. सो देर आर वेरियस कंट्रीज, 17 कंट्रीज हैं जिन्होंने इस डिसीज को एलिमिनेट किया है. अच्छा, पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं ऑन द प्लेटफॉर्म, यू कैन रेफर दीज सेशंस. हर एक पॉलिटी के एस्पेक्ट को इन डिटेल कवर किया जा रहा है बाय प्रज्ञा मैम. इवन स्पून फीड सेशंस आर आल्सो बीइंग टेकन, सो यू कैन रेफर दीज सेशंस, लेट अदर्स नो अबाउट इट. जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, बी द आर, चाहे वो SSC के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, कोई UPSC के लिए करता है, कोई स्टेट PCS के लिए करता है, तो आप ये सेशंस रेफर कर सकते हो. ये हर किसी के लिए हैं, राइट. लेट अदर्स नो अबाउट इट. कमेंट सेक्शन में मेरे सेशंस के लिए जो भी आपका फीडबैक है आप दे सकते हो. मैं कमेंट्स बिल्कुल पढ़ती हूँ, आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ. बहुत अच्छा भी लगता है कि आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, इट फील्स ग्रेट, राइट. एंड लेट अदर्स नो ऑल्सो, सो दैट वी हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली. नाउ मूविंग अहेड, Recently, Naval Fleet Exercise Malabar 2024 was flagged off at the Eastern Naval Command, Vishakhapatnam. Malabar 2024 exercise. It was recently started at the Eastern Naval Command in Vishakhapatnam. Naval forces officially begin their exercise, a planned military activity. So, इस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं. एक मेजर नेवल एक्सरसाइज है, 1992 में ये शुरू हुई थी. अच्छा, पहले ना ये बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज थी, तब सिर्फ इंडिया और US इन्वॉल्व थी, इंडिया की नेवी और US की नेवी. पहली मालाबार एक्सरसाइज 2007 में बे ऑफ बंगाल में हुई. बाद में ना ये इट वॉज एक्सपेंडेड, फिर ना जापान इंक्लूड किया इसके अंदर, तो इंडिया बन गया और US हो गया, जापान हो गया, और बस जापान हुआ. 2015 में जापान आया था, फिर 2020 में ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भी इसको ज्वाइन किया, तो एक क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज बन गई. इट टेक्स प्लेस एनुअली हर साल इन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, और एक बार इंडियन ओशन में, एक बार पैसिफिक ओशन में, एक बार इंडियन ओशन में, एक बार पैसिफिक ओशन में, ऐसे ऑल्टरनेटिवली होती है. सो इस एक्सरसाइज का मकसद यही है, टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन एंड सिक्योरिटी इन द इंडियन पैसिफिक रीजन. बहुत सी ये 2024 वाली जो एक्सरसाइज है, ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ पे फोकस करेगी. कॉपरेशन बड़े देशों के बीच में, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ एनहैंस हो, देर विल बी डिस्कशंस आल्सो ऑन द स्पेशल ऑपरेशंस. सो दिस एक्सरसाइज का गोल यही है, टू एनहैंस टीम वर्क बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, बेटर कोलेबोरेशन हो इन द रीजन. मालाबार 2024 में, एज आई हैव मेंशन,
they will focus on different types of combat, fighting enemy ships, aircraft, submarines. Experts from each navy will share their knowledge, experience badega, and the exercise will involve complex maritime operations. ठीक है, वेरियस इंडियन नेवल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, दिस एक्सरसाइज विल सी पार्टिसिपेशन ऑफ, तो यहाँ पर यू विल सी एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सरफेस वॉरफेयर, एयर डिफेंस एक्सरसाइजेस. सो ओवरऑल द फोकस इज टू एनहैंस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द मैरीटाइम एनवायरनमेंट. तो वेरियस इंडियन नेवल प्लेटफॉर्म्स विल टेक पार्ट इन दिस एक्सरसाइज, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, मल्टीपर्पज फ्रिगेट्स, सबमरीन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े. इस टाइगर रिजर्व की बात करनी है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है. हाल ही अ बॉडी ऑफ 8-year-old टाइगर वॉज फाउंड ऑन द बॉर्डर ऑफ दिस टाइगर रिजर्व. ये टाइगर रिजर्व ना उत्तर प्रदेश में बिजनौर में पड़ता है, तो यहाँ कहीं पड़ता है, ये बिजनौर है. ठीक है, एटलीस्ट इतना तो मालूम होना चाहिए. उत्तर प्रदेश में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. इट एनकम्पासेस एन एरिया ऑफ 9500 हेक्टेयर्स. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास पड़ता है ये. पहले क्या था ना, ये कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही ये पार्ट था. बट उसके बाद क्या हुआ, जब उत्तराखंड वॉज कार्व्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो जिम कॉर्बेट तो उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ रिमेन्ड इन उत्तर प्रदेश. राइट, यहाँ पर आपको एक एक क्रूशियल कॉरिडोर है ये फॉर एशियाटिक एलिफेंट्स, टाइगर्स और बहुत से वाइल्ड लाइफ स्पीशीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कि एलिफेंट है, टाइगर है, स्वैम डियर, सांबर, चीतल और बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, सारी स्पीशीज यू विल सी है. फ्लोरा में यहाँ पे जो वेजिटेशन है ऑफ द टाइगर रिजर्व, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स एंड डेंस फॉरेस्ट. आज बात करनी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में. जीएस पेपर 2 का आर्टिकल है, कैसे कनेक्ट कर सकते हो स्टैटिक से. यस, ओला इलेक्ट्रिक, सुना है कंपनी है दैट मेक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड टू व्हीलर्स. दे हैव रिसेंटली रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कि देर आर सेवरल you will say, see, the authority claims that Ola Electric has violated consumer rights. मतलब वो मानते हैं कि जो company है, they may have done something जो कि unfair है, they are harmful to consumers and advertisements जो हैं from Ola Electric, they may have been misleading also. So company might have made claims about their products जो कि सच नहीं है, जिन्होंने ऐसी advertisement that could deceive customers. तो unfair trade practices की बात हो रही है यहाँ पर, जो इन पे दे आर एक्यूज्ड ऑफ कि दे आर बेसिकली एंगेजिंग इन दीज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, डिसऑनेस्ट, अनएथिकल, ऐसे लगा लीजिए. ठीक है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें इस अथॉरिटी के बारे में पढ़ना है. कॉन्टेक्स्ट अब पढ़ देती हूँ. ओला इलेक्ट्रिक, एन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चर, रिसेंटली रिसीव्ड अ शोकेस नोटिस फ्रॉम द CCPA. किस लिए? फॉर एलेज्ड वॉयलेशंस ऑफ कंज्यूमर राइट्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, पढ़ो क्या कहते हैं, जल्दी से पढ़ो. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जो है, विच वॉज नोटिफाइड ऑन 9th of August 2019 एंड केम इन टू फोर्स ऑन 20th of July 2020. सो दिस अथॉरिटी वॉज सेटअप अंडर दिस एक्ट. राइट, बेसिकली इस कानून ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस किया था. पर्पस क्या है, मेन गोल क्या है अथॉरिटी का, कॉन्टेक्स्ट से ही पता चल गया. कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, टू सेफगार्ड कंज्यूमर्स फ्रॉम द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, टू इंश्योर कि जो एडवर्टाइजमेंट्स आपको दिखाई जा रही हैं वो मिसलीडिंग नहीं हो, वो फॉल्स नहीं हो, क्योंकि दे विल अदरवाइज दे आर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड कंज्यूमर. सो दे वर्क टू स्टॉप कंपनीज फ्रॉम डूइंग दिस, दे टेक एक्शन अगेंस्ट दीज मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स. कौन सी मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सो दिस अथॉरिटी हैज इंपॉर्टेंट पावर्स टू हेल्प protect consumers in India. What are those?
protect, promote, and enforce the rights of consumers as a class and prevent violation of consumer rights under their act. The authority responsible hai for protecting the rights of all the consumers to make sure that everyone can buy the product and services without being treated unfairly. Right? It has the authority to stop the unfair trade practices. If a company lies about the quality of its product, to wahan par CCPA can intervene. Make sure karte hain that advertisements jo hai for goods and services were truthful ho. They are not misleading, right? Otherwise, they can take the action. So ensure that no false or misleading advertisement is made. Prevent the unfair trade practices. Ensure that no person takes part in the publication of any advertisement that is false or misleading. Composition में यहाँ पर एक chief commissioner होते हैं head और बाकी दो commissioners होते हैं as members. एक commissioner तो जो हैं वो deal करते हैं with the matters related to goods और दूसरे commissioner deal करते हैं with the cases that are related to services. ठीक है तो power क्या है इनके पास? जहां पर भी इन्हें लगे दैट कंज्यूमर राइट्स आर बीइंग हार्म्ड बाय अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस दे स्टेप इनटू दे टेक एक्शन. सीसीपीए कैन इनिशिएट क्लास जस्ट अ मिनट. हाँ तो दे कैन टेक सुओ मोटो एक्शन ऑल्सो. सुओ मोटो एक्शन का मतलब क्या होता है? ऑन इट्स ओन. If no one files a complaint also, authority sees something wrong is happening like unfair practices, false advertisement, they can step into to address the issue without waiting ki acha customer, consumer complain karega to karenge. Nahin. And if a product is found to be unsafe or defective, CCPA ke paas authority hai to order that it can be taken back. Recall products. Order reimbursement. Order reimbursement orders matlab authority can direct the companies to refund the money that consumers paid for the goods or services. Agar kuch faulty hai aur jo jis tarike se add kari waisi nahi hai, they can cancel the license also. Wo bhi inke paas power hai. They can file class action suits. Matlab maan lo agar koi problem hai that is affecting many consumers, so CCPA can file a class action lawsuit on the behalf of all those who are affected. इसका मतलब दे आर रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल इन द कोर्ट अगेंस्ट अ बिजनेस दैट हैज हार्म्ड देम. दे कैन इशू ऑर्डर्स टू स्टॉप द बिजनेस फ्रॉम एंगेजिंग सच प्रैक्टिसेस. पास कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रैक्टिसेस. पेनल्टीज इम्पोज कर सकते हैं. सो ये सारा काम CCPA कर सकते हैं. हाँ अगला जो आर्टिकल है अगला, प्राइम मिनिस्टर इज सेट टू स्ट्रेंथन इंडिया स्ट्रेटेजिक टाइज विद साउथ ईस्ट एशिया एज ही हेड्स टू Laos for the 21st Asian Indian Summit. So हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री is set to strengthen India's ties with Southeast Asia as he heads to Vientiane, Laos for the 21st Asian India Summit. हम एशियान के बारे में बात करते हैं. होमवर्क आपका यही है, एशियान के मेंबर्स आपको याद करने हैं. यस याद करने हैं. नो इफ एंड बट है इसमें, तो लर्न करने पड़ेंगे. कोई भी आपके पास ऐसा होता है ना कि मैं एक निमोनिक बना सकती हूँ, बना सकता हूँ किसी भी चीज़ के लिए, आपके पास मेंबर्स को लेके आपने एक निमोनिक बनाया है, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन. बाकी बच्चे भी पढ़ेंगे राइट तो दूसरों को भी हेल्प हो जाएगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एशियन. एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की. 8 अगस्त 1967 में इट वॉज एस्टैब्लिश इन बैंकॉक थाईलैंड विद द साइनिंग ऑफ एशियन डेक्लेरेशन. बैंकॉक डेक्लेरेशन बेसिकली साइन हुआ, जिसका मकसद एम यही है टू प्रमोट इकोनॉमिक कॉपरेशन सिक्योरिटी कॉपरेशन अमंग इट्स 10 मेंबर्स. फाउंडिंग मेंबर्स में इंडोनेशिया आता है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है. फिर ब्रुनेई ने ज्वाइन किया 1984 में, वियतनाम ने 1995 में, लाओस एंड म्यांमार ने 1997 में, कंबोडिया ने 1999 में. इसका सेक्रेटरीट जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है. एशियन के क्या प्रिंसिपल्स हैं? म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना पहला प्रिंसिपल है इनका. म्यूचुअल रिस्पेक्ट. सारी कंट्रीज दे रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंडिपेंडेंस, सॉवरनिटी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ऑल द नेशंस. दे एक्नॉलेज ईच अदर
एज अ सेपरेट नेशन, जिनके अपने राइट्स हैं, अपनी आइडेंटिटीज हैं, वो अपनी उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करते हैं. देन राइट ऑफ एवरी स्टेट टू लीड इट्स नेशनल एग्जिस्टेंस फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. दे नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर्स. दे प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ईच कंट्रीज इंडिपेंडेंस, पीसफुल सेटलमेंट, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स, सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेज और डिस्प्यूट्स इन अ पीसफुल मैनर. कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई झगड़ा हुआ बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, दे शुड रिजॉल्व देम थ्रू पीसफुल मीन्स, नेगोशिएशन के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, लड़ाई झगड़े से नहीं. रिनन्सिएशन ऑफ द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स. एशियन कंट्रीज कमिट टू नॉट यूज थ्रेट और वॉयलेंस अगेंस्ट ईच अदर. इफेक्टिव कॉपरेशन अमंग देमसेल्व्स. अब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है एशियन का? एशियन समिट होती है, हर साल मिलते हैं टू डिस्कस द रीजनल इशूज. एशियन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ओवरसीइंग हाउ वेल एशियन कंट्रीज एंड डिस्कशंस आर बीइंग पुट इनटू एक्शन. क्या मेंबर कंट्रीज दे आर फॉलोइंग थ्रू ऑन व्हाट दे हैव एग्रीड अपॉन, ये सारा कुछ देखना. एशियन सेक्रेटरेट, इट सपोर्ट्स एंड फैसिलिटेट्स एशियन एक्टिविटीज एंड इनिशिएटिव्स. एशियन रीजनल फोरम एक प्लेटफॉर्म है फॉर डायलॉग एंड कॉपरेशन on political issues, security issues, right? It includes not only the Asian member countries but baki partners bhi from outside the region as well, and decision making is done through consensus and consultation. Theek hai ji, so this was the whole session. Samajh aa gaya hai? Koi doubt hai, comment section aapke paas hai, pooch lena. Otherwise I'll meet you tomorrow with other sessions, with other articles. Till then, take care, good luck, good wishes. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. Happy learning, everyone. All the best. Thank you.